पूज्यवर गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, आप लोगों के बीच कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत है। अभी हम सब बहुत ही सुंदर भजन सुन रहे थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये राम रतन धन क्या है? ये राम रतन धन है सच्चा सुख, आत्यंतिक सुख, जो कभी हमसे बिछुड़े ना, छूटे ना। एक सुख और दुख होता है बहुत ही थोड़े समय के लिए, जिसको हम खुशी कह सकते हैं। जैसे हम यहां बैठे हैं, बैठे बैठे कुछ देर हो जाता है तो पैर दर्द करने लग जाता है, तो हम पैर बदल लेते हैं तो थोड़ा सा राहत महसूस होता है, खुशी मिलती है। लेकिन बैठे ही रहें तो लगेगा कि अब इतना देर, इससे ज़्यादा अब नहीं बैठ सकते, तो उठ करके कुछ देर चल लेते हैं। तो कुछ अच्छा लगता है। वैसे ही और चीज़ों में है, भूख लगती है तो कुछ खा लेते हैं, सुख मिलता है। प्यास लगती है, पानी पी लेते हैं, सुख मिलता है। लेकिन वही खाने की चीज ही अगर हम लगातार बहुत देर तक खाते रहें, या फिर जिसे खाने से हमें आनंद मिल रहा है, खुशी मिल रही है, उस चीज को बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लग जाए, तो वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। जैसे मीठा हम सबको बहुत पसंद होता है, मीठा खाते हैं, मीठा खाते खाते हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है, हमारी किडनी शुगर को फिल्टर करने में सक्षम नहीं हो पाता है, इतना ज़्यादा हम शुगर मीठा लेने लग जाते हैं। तो फिर होता क्या है कि हम शुगर के पेशेंट हो जाते हैं। अब उसके लिए अनेक दवाई करते हैं, कुछ लोगों की तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसके लिए दिन में दो दो बार इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का। तो हम जितना ज़्यादा अति करेंगे उतना हमें दुख मिलता जाएगा। जिस चीज़ से हमें सुख मिल रहा था उसी को हम बढ़ाते गए तो वो दुख में बदल गया, और हम नहीं रुके, और फिर वो काम लगातार जारी रहा तो वो दुख की मात्रा और बढ़ती चली जाती है। अर्थात सुख और दुख दोनों कुछ ही समय के लिए आते हैं, लेकिन वही हमें दुख और पीड़ाओं से भर देता है। हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा सुख चाहिए जो कभी क्षीण ना हो, जो कभी मिटे ना। उसके लिए क्या है? उसके लिए उपाय है कि हम उन चीजों की परख करें जिनसे हमें सुख मिलता हो।
हम क्या करते हैं, छोटे छोटे सुखों में ही भूल जाते हैं, आदतों में सुख मानने लग जाते हैं। कल ही गुरुदेव जी का एक प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि सच्चा सुख क्या है। सच्चा सुख है जिन चीजों के करने से हमें दुख लगता हो, वर्तमान में हमें दुख महसूस होता हो, लेकिन वह हमारे मोक्ष के लिए, हमारे आत्यंतिक सुख के लिए अगर फायदेमंद है तो वही सच्चा सुख है। जैसे हमें किसी चीज की आदत हो जाती है, तो संत गुरुजन कहते हैं कि ये आदत छोड़ दो, लेकिन हमें वो आदत छोड़ने में कष्टप्रद होता है, दुख लगता है, पीड़ा होती है, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते, अपने आदतों से बाहर नहीं निकल पाते, आदत से लाचार हो जाते हैं और हम उन्हीं गलतियों को बार 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 दोहराते रहते हैं, तो हम दुख के गड्ढे में और गिरते चले जाते हैं। होना क्या चाहिए? होना चाहिए कि हम अपने आदतों को छोड़ें और उन आदतों को छोड़ करके हम आत्यंतिक सुख को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कोई किसी की आदत हो गाली देने की, झूठ बोलने की, तो संत गुरुजन कहते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। तो हम यहां क्या कहीं भी होते हैं तो देखते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज नहीं है, तो प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे क्या छूट जाता है, गाली तो छूट जाता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम झूठ बोलना नहीं छोड़ पाते। हम ऐसे जगहों में भी झूठ बोल देते हैं जहां पर लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है, फिर भी हम उस झूठ को इस ढंग से पेश कर देते हैं कि हम सच ही बोल रहे हैं। तो ऐसे जगह पर हमें होता क्या है कि हम सच के आड़ में झूठ को परोस तो देते हैं, लेकिन सामने वाला आदमी जान जाता है कि सच क्या है, और उससे हमारा व्यवहार खराब हो जाता है। और हम तो जानते ही हैं कि हमने झूठ बोला है या हमने गलत किया है, तो जो हमें सुख मिलना चाहिए, जो हमें, जिसके लिए हमने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, रिश्ते नाते छोड़े, जिस सुख को पाने के लिए, जिस आत्यंतिक सुख की प्राप्ति के लिए हम यहां आए, वो काम तो हुआ ही नहीं हमारा, और ऊपर से अपना व्यवहार भी खराब हुआ। तो ऐसे जगह पे हमें सावधान रहना चाहिए, और जब हम सावधान रहेंगे, जब हम साधना काल में रहेंगे, तो इन चीजों में हेर फेर होता रहता है। जैसे कोई बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो अगर डंडा वाला साइकिल है तो एक हाथ से अब हैंडल को पकड़ता है, एक हाथ से उस डंडे को पकड़ा रहता है, और पैर कैंची छाप जिसको कहते हैं, धीरे 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 करके चलाता है। कई बार उसमें भी गिर जाता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, कई बार चोट आती है, कई बार उंगलियां कई बार टूट जाती है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, मुझे साइकिल चलाना सीखना ही है। तो एक दिन ऐसा आता है कि हाथ छोड़ करके भी वो आसानी से किलोमीटर तक चला जाता है, इतना उसमें अभ्यस्त हो जाता है।
तो हम सब साधक हैं, साधना पथ के राही हैं। हमारे भी जीवन में कुछ गलतियां आएंगी, कुछ बुराइयां आएंगी, पर इसका मतलब यह नहीं कि हम गलतियों के आधार पर ही अपना जीवन निर्वाह करना सीख जाएं। ऐसा नहीं है। हमें उन्हीं गलतियों से प्रेरणा लेकर के, उन्हीं गलतियों को अपने मिल का पत्थर बना करके आगे बढ़ना है। जैसे हम कहीं चल रहे हों, अचानक किसी पत्थर से टकरा जाएं, गिर जाएं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हम गिर जाते हैं करके चलना ही छोड़ दें। हम उठते हैं और फिर चलना प्रारंभ करते हैं। वैसे ही साधना पथ में भी जब भी कोई गलती हो जाए, जब भी कोई बुराई हमारे जीवन में आ जाए, तो उससे ही हमें सीख लेकर के आगे बढ़ना है। तो मैं कह रहा था कि सुख और दुख हमारे जीवन में आते और जाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, वह सुख जो कभी छूटे ना, अर्थात ऐसा सुख जहां पर हमें सुख और दुख का अनुभव भी न रह जाए। सुख दुख का अनुभव न रह जाए मतलब यह है कि हमें कोई बाहरी दुख मिले तो उसके लिए हम रोए ना, गिड़गिड़ाए ना। एक सदगुरु होते हैं, उनके भी जीवन में अगर उनको भूख लगेगी तो महसूस उनको भी होता है, प्यास लगेगी तो उनको भी महसूस होता है। अगर कहीं जेठ की दोपहरी में उनके सामने अगर आग ले जाकर रख दिया जाए तो उनको भी जलन महसूस होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो उसमें दुख माने या रोने लग जाएं। हम सब अनेक संतों के लिए, महापुरुषों के लिए सुने हैं कि कईयों के कान में रांगा पिघला करके डाल दिया गया, कईयों को सूली पे लटका दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया, क्रॉस पे लटका दिया गया, लेकिन क्या वे उस समय भी दुख महसूस करते थे? वे उस समय भी अपने मन को शांत रखते हैं और प्रयास यही करते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छी या बुरी कर्म हुए होंगे, अच्छे या बुरे कर्म जो भी हुए होंगे, उसका परिणाम मुझे मिलेगा और उसी के आधार पर मेरा जीवन चलेगा। उस समय भी वे निस्वार्थ भाव से अपने करुणा को ही बहाते हैं। वे ये दुख नहीं मनाते कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, मेरे ही साथ दुख क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, इस ढंग से रोने नहीं लग जाते। लेकिन वही बात अगर हमारे जीवन में अभी आ जाए तो हमको छोटी छोटी बातों में ही दुख और सुख अनुभव होने लग जाएगा। तो मैं कह रहा था कि हम आत्यंतिक सुख के ओर आगे बढ़ें। हाँ, बात सच है कि हम सब अभी उतना परिपक्व नहीं हुए हैं, इसलिए हमें उसका भास होता है, लेकिन करते करते ही कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। तो वो स्थिति एक न एक दिन आएगी ही आएगी, लेकिन तब आएगी जब हम उसमें ध्यान देंगे। हम गलतियों को ही स्वीकार करके उसमें बेभान होकर के अगर सो जाएंगे तो फिर वो गलतियां हमें नहीं पता चलेंगी और हम उसी ढंग से जीवन जीते जाएंगे और एक दिन ये जीवन भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हमें वो सुख चाहिए, वो शांति चाहिए, वो मोक्ष दशा चाहिए, तो
हमें उसके लिए काम करना होगा। और उसका काम यही है कि हम जो कुछ भी जीवन में दिनचर्या में क्रियाकलाप जो करते हैं उसमें हर समय सतत सावधानी, जो भी काम करते हैं वो काम करना ही है हमें। ऐसा नहीं कि हमें काम करना ही छोड़ देना है, आलसी हो जाना है या कामचोर हो जाना है, निकम्मा हो जाना है, ये बात नहीं है। बात यह है कि हम जो काम करते हैं, जो काम कर रहे हैं उसमें सावधानी प्लस करते जाएं, सावधानी जोड़ करके काम करें, कोई भी काम करें उसमें सावधानी से करें। जैसे संत गुरुजन बताते हैं कि हम चलते हैं, तो हम चल रहे हैं तो हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि हम किसी जीव को मार करके चलें, लेकिन हम चलते हैं, अचानक हमारे पैरों के नीचे चींटी दब गया, कीड़ा दब गया, मर गया, अब उससे हमें क्या मतलब। लेकिन वहां पर यह भाव हमारा नहीं होता है कि हमसे दबकर मर ही जाए। अगर किसी कारणवश वो दब जाता है, मर जाता है, तो उससे हमें कोई दुख नहीं होगा। लेकिन हम जानबूझकर उसके ऊपर अगर पैर रख कर आगे बढ़ जाते हैं तो हमें वो बात चुभ भी सकती है और उसका फल हमें मिल सकता है। जैसे हम किसी के साथ काम कर रहे हैं, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन चाहते हैं कि वो अच्छे ढंग से हो जाए, तो वहां पर कभी ऐसा भी होता है कि उसके साथ नोकझोंक हो जाता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं रहता है कि हम उसके साथ नोकझोंक करें या उसके साथ लड़ाई करें या उसके साथ झगड़ा करें। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ये काम जैसे भी हो अच्छे ढंग से हो जाए। तो वहां पर थोड़ा उनकी बात भी सुननी पड़ती है, कुछ अपनी बात भी जबरदस्ती कहनी पड़ती है, तो उस समय भी हमें सावधान ये रहना है कि हमसे किसी को कष्ट ना पहुंचे, हमारे कारण किसी को दुख ना हो। फिर भी कोई काम ऐसा आ जाए कि किसी कारणवश हमारे कारण उनसे अगर दुख हो गया, उन्हें पीड़ा हो गई, तो उसके लिए हमें ये सावधानी रखना है कि अगर हमारे कारण किसी को दुख होता है, हमारे कारण किसी को दुख हो जाता है, किसी को पीड़ा हो जाती है, तो वहां पर अपने अहंकार को मार करके इसलिए रखना है कि भाई हम उससे क्षमा मांग सकें, हम उससे माफी मांग सकें। कई बार होता क्या है कि हम साथियों के साथ अपने काम कर रहे हैं, किसी कारणवश हम अपने सीनियर से भी गलत ढंग से बात कर डाले, या किसी हम उद्वेग में या अहंकार में आकर के उनके साथ गलत व्यवहार कर लिए। लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम क्या करेंगे, हम उससे कभी भी माफी नहीं मांगेंगे। पहली बात, अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो हम उससे कभी न माफी मांगेंगे न उससे कभी अपने से बात करना चाहेंगे। लेकिन यदि हमारे अंदर साधना का लक्षण होगा, साधक का लक्षण होगा, हमारे अंदर विनम्रता होगी, तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी ढंग से उससे बात शुरू करेंगे और उससे माफी मांग लेंगे कि भाई मुझसे ये गलती हो गई, आप माफ करिए, और ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन बात ऐसी ऐसी थी इसलिए मुझे कहना पड़ा। तो वहां पर हमारा व्यवहार भी सुधर सकता है और हमारा स्वभाव भी सुधर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने अहंकार के वश कि मैं भले उनसे जूनियर हूं लेकिन मैं ज्यादा जानता हूं, या मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, या मुझे लोग ज्यादा मानते हैं, इस अहंकार में आकर हम भले अपने सीनियर हैं उनको भी दबाने का प्रयास कर देते हैं। तो वहां पर हमारा स्वभाव तो खराब होता ही है, हमारा जीवन का जो मूल मंजिल है, मूल लक्ष्य है, उससे भी हम दूर होते चले जाते हैं, हम उससे भी भटकते चले जाते हैं। और फिर हम जिस चीज के लिए आए हैं, जिस चीज को सोच करके अपना यहां पर साधना भजन करने के लिए यहां बैठे हैं, वो काम भी नहीं हो पाता है। तो हम सबको सावधानी की जरूरत यही है कि हम अपने साथियों के साथ कुछ भी करें, कोई भी काम करें,
हमें सावधानी ये रखना है कि हम अपने जीवन को देखते चलें, अपने सावधानी के साथ काम करते चलें, ताकि जो जो हमारा मूल लक्ष्य है उससे हम दूर ना होने पाएं। जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है कि हमें कल्याण की प्राप्ति करना है, सुख की प्राप्ति करना है, मोक्ष को प्राप्त होना है, उससे हम दूर ना हों। कई बार क्या होता है कि हम मीठी चुपड़ी बातों में आकर के अपना व्यवहार तो अच्छा कर लेते हैं, व्यवहार को अपना सुंदर बना लेते हैं, लेकिन मीठी बातें करके हम अपने जो वास्तविक लक्ष्य है उससे दूर अगर हो रहे हैं, तो वो मीठी बातें फिर हमारे सुख का कारण नहीं बल्कि वह हमारे दुख का कारण होगा। मतलब कि हम यहाँ पर दूसरों को या अपने साथियों को उसका मन बहलाने के लिए हम उसके साथ होकर के कोई गलत काम कर देते हैं, तो होगा क्या कि हम यहाँ तो गलत यहाँ पर अपने साथियों के साथ अच्छा कर लिए, लेकिन जब बाद में जब हम साधना काल में बैठेंगे या साधना की दृष्टि से जब उस चीज़ को सोचेंगे तो बार बार हमें चोट करेगा कि मैंने उसके साथ उस समय अच्छा तो कर दिया, उसके लिए अच्छा तो सोच करके कर लिया, लेकिन ये हमारे जीवन के लिए, हमारे साधना के लिए, हमारे समाज के लिए ये अच्छा नहीं हुआ। और फिर उसको सुधारने में हमारा बहुत वक्त लगेगा। तो मैं कह रहा था कि हम छोटी छोटी सुख को पाने के लिए बड़े दुख से दूर ना हो। छोटे छोटे सुख को पाने के लिए, छोटी छोटी खुशियों को पाने के लिए, जिस सुख की तलाश में हम यहां आए हैं उस सुख से दूर ना हो जाएं, ताकि यदि हम यहां सुख के लिए जैसे बाहरी परंपराओं में या दूसरे परंपराओं में देखते हैं कि लोग भगवान को रिझाते हैं या गुरु को अपने इष्ट को रिझाने के लिए नाचते हैं, कूदते हैं, सब कुछ करते हैं, और वो सोचते हैं कि इसी से हमारे भगवान खुश हो जाएंगे और हमें अपने धाम में ले जाएंगे, और हम भी यही कर रहे हैं कि अपने साथियों को खुश करने के लिए उनके हिसाब से काम करने लग गए, तो क्या होगा? हम अपने साथियों को तो खुश कर लेंगे लेकिन अपने जीवन को सुधार नहीं पाएंगे। अपने जीवन को जो लक्ष्य देना चाहिए, जो मंजिल हमें पाना चाहिए, उससे दूर हो जाएंगे। फिर हम में और उनमें कोई खास अंतर नहीं रह गया। वे लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, हम अपने साथियों के व्यवहार की पूजा कर रहे हैं। वो गलत ढंग से चलता है, हम भी उसमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें साथ दे रहे हैं, और उसी के साथ हम उसके लिए लगे हुए हैं। तो फिर हम जिस चीज को पाना चाहते हैं उससे दूर हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था, और ये खास बात मैं दूसरों के लिए नहीं कहता, मैं अपने लिए सोचता हूं, ये इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है कि हम व्यवहार की चीजों में ज्यादा फंस करके अपने परमार्थ की चीजों से दूर ना हो। बस परमार्थ के अध्यात्म के चीजों से हम दूर ना हो जाएं। बस इतना ही कहना चाहता हूं मैं कि हम अपने यहां को भी सजाएं और वहां को भी सजाएं। और संत गुरुजनों का तो यही उपदेश रहता है कि हम अपने व्यवहार को सुंदर बनाएंगे तो उसी से हमारा परमार्थ भी सुधरता चला जाता है, क्योंकि हमारा जब स्वभाव सुधरता है, हमारा आचरण सुधरता है, हमारा जीवन सुधरता है, तो हमें सुख की प्राप्ति, संतोष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति उसी ढंग से होती है। तो बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।